नमस्कार दोस्तों, मैं रवि का स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, व्यापम की परीक्षाओं में गणित का बहुत ही बड़ा वेटेज होता है। अगर मैं बात करूं हॉस्टल वार्डन की परीक्षा की, तो हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 25 प्रश्न होंगे गणित के। तो हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में भी गणित जो है ये कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होने वाला है। मतलब ये आपके रिजल्ट को बहुत अच्छा कर सकता है या आपको सिलेक्शन से बहुत दूर भी कर सकता है। तो गणित का इंपॉर्टेंस हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में पहले से भी बढ़ गया है। अब इसके अलावा अगर बात करूं मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में वर्ग 3 मतलब सहायक शिक्षक का जो पेपर होगा उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे गणित के। अगर मैं बात करूं वर्ग 2 मतलब शिक्षक की, तो यहां पर कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे गणित के। अगर मैं आरआई और पटवारी के बात करूं एग्जाम की, तो आरआई और पटवारी के एग्जाम में आपको पता होगा कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 30 प्रश्न सीधे सीधे गणित के बनते हैं। तो व्यापम के आप कोई भी एग्जाम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गणित का वेटेज बहुत बड़ा है। मतलब व्यापम के एग्जाम में आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो कहीं ना कहीं आपका गणित विषय बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और गणित एक ऐसा विषय है जहां पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब आप सिलेक्शन के बहुत पास जा सकते हैं। यहां पर गैप जो है बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। जैसे गणित विषय में मान लीजिए 30 प्रश्न आ रहे हैं, 150 प्रश्नों में 30 प्रश्न गणित विषय के आ रहे हैं, आपका 30 में 28 सही हो रहा है, 29 सही हो रहा है, 30 में 30 सही हो रहा है, किसी बच्चे का 4-5 ही सही हो पा रहा है, तो ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। जबकि जो बचे विषय हैं, जैसे बात करूं मैं भाषा की, बात करूं मैं जीएस की, कंप्यूटर की, वहां पर इतना बड़ा गैप क्रिएट नहीं हो पाता है। तो गणित विषय जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब आप व्यापम की परीक्षाएं दे रहे हैं। और इस साल जैसा कि आप सभी को पता होगा, व्यापम की बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसमें हॉस्टल वार्डन की परीक्षा बहुत ही बेसब्री से इंतजार था अभ्यर्थियों को, ये एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा आरआई और पटवारी का एग्जाम भी इसी वर्ष होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो व्यापम के बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं, इन सभी एग्जाम्स में गणित का वेटेज बढ़ा है। बिना गणित विषय के इन एग्जाम्स को निकाल पाना कहीं ना कहीं असंभव हो जाता है। तो अभ्यर्थियों की लगातार जो मांग आ रही थी गणित विषय की अलग से एक बैच लेकर आए, तो मैंने पहले भी इसमें एक वीडियो बनाया है, आज भी वापस से आप सभी को याद दिलाने आया हूं कि गणित विषय की जो अलग से बैच की आप मांग कर रहे थे, ये गणित विषय का अलग से बैच हम आरंभ कर रहे हैं। तो गणित की संपूर्ण तैयारी, तो गणित की संपूर्ण तैयारी को लेकर एक विशेष बैच हम आरंभ कर रहे हैं। ये बैच आरंभ हो रहा है 20 मार्च से। तो 20 मार्च से ये बैच आरंभ होगा। समय है 4:30 से 5:30 बजे तक। डेली 1.5 घंटे की कक्षाएं होंगी 4:30 से 5:30 बजे तक। तो 20 मार्च से ये बैच आरंभ होगा, गणित की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। मैं आपको गणित की संपूर्ण तैयारी कराऊंगा, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक गणित की तैयारी करेंगे। कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक कंसेप्ट पे बात करेंगे, तो कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। 20 मार्च से ये बैच आरंभ होगा, क्लासेस ऑनलाइन लाइव चलेंगी। इसके साथ प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ तो आपको दिया ही जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। लाइव आप हमसे जुड़ेंगे, लाइव क्लास अटेंड करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगा, प्रत्येक क्लास का। तो गणित की संपूर्ण तैयारी कराऊंगा मैं, संपूर्ण तैयारी, कुछ भी नहीं छूटेगा। ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन है उस पर बहुत अच्छी तरीके से आपकी पकड़ मजबूत बनवा दूंगा मैं, क्योंकि आप देखेंगे तो जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है गणित में, जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन है जिसमें आपको रेखा और कोण पढ़ना होता है, सारी 2D आकृतियां कवर करनी होती है, सारी 3D आकृतियां कवर करनी होती है, इसके अलावा त्रिभुजों की सर्वांग समता समरूपता को कवर करना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कवर करने होते हैं, वो सेक्शन पे आपकी पकड़ बहुत शानदार हो जाएगी। और व्यापम की परीक्षाएं अगर आप देंगे तो बिना ज्योमेट्री पढ़े तो आप जाना ही मत, बिना ज्योमेट्री पढ़े बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ज्योमेट्री के भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 2016 के हॉस्टल वार्डन की बात करूं, जो एग्जाम व्यापम ने लिया था, 8 से 9 प्रश्न केवल ज्योमेट्री वाले सेक्शन से आए थे, 8 से 9 प्रश्न। उस समय तो गणित 20 नंबर का था, 8 से 9 प्रश्न ज्योमेट्री वाले सेक्शन से आए थे हॉस्टल वार्डन की 2016 में जो परीक्षा हुई थी।
आप आरआई का एग्जाम उठा लीजिए, पटवारी का एग्जाम उठा लीजिए, आपको ज्योमेट्री वाले सेक्शन से भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो संपूर्ण तैयारी कराऊंगा, कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। एक बार आप इस क्लास को पूरा देख लिए, इस बैच को पूरा कंप्लीट कर लिए, तो आपका मैथ्स बहुत शानदार हो जाएगा। प्रॉपर क्लास नोट्स तैयार कराऊंगा आपकी, प्रॉपर क्लास नोट्स आपकी तैयार कराऊंगा। प्रैक्टिस शीट्स आपको हर चैप्टर में तीन चार प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब आप अगर 80 दिनों तक मेरे साथ जुड़े रहे, 80 दिनों की अवधि है इस बैच की, 80 दिनों तक अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। मैथ्स आपका हमेशा के लिए तैयार हो गया। आप आगे भी चलकर कोई भी एग्जाम दीजिए, इस साल कोई भी एग्जाम आ जाए, हॉस्टल वार्डन आया दे दीजिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई दे दीजिए, आरआई का एग्जाम आया, पटवारी का एग्जाम आया, कोई भी एग्जाम आया, गणित की टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। कहीं पे किसी भी पॉइंट पे डाउट नहीं आएगा। नोट्स और प्रैक्टिस शीट शानदार आपकी तैयार हो जाएगी इन 80 दिनों में। एक एक कंसेप्ट पे चर्चा करूंगा, कंसेप्ट को भी लिखवाऊंगा इस बार। तो मैं एकदम बेसिक से क्लास स्टार्ट करेंगे, कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा, गणित की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, चाहे वो हॉस्टल वार्डन की परीक्षा हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, टेट की परीक्षा हो, आरआई का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, इसके अलावा पीएससी के एग्जाम्स हो, आपका गणित का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं 20 मार्च से। समय है शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक, डेली 1.5 घंटे की कक्षाएं होंगी डेली। 80 दिनों तक ये बैच चलेगा, कहीं पे कोई रुकावट नहीं आएगी। ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, हर क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, हर क्लास का। ऑनलाइन लाइव तो आप हमसे जुड़ेंगे ही, इसके अलावा हर क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। 80 दिन तक ये बैच चलेगा, ज्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, 80 दिन तक डेली 1.5 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना है, 120 घंटे हो गए, 120 घंटे, क्या शानदार मैथ्स हो जाएगा। और मैथ्स में स्कोर होने लग गया मतलब व्यापम में सिलेक्शन होने लग जाएगा। मेरा जो अनुभव रहा है, मेरे जो व्यापम के एग्जाम्स निकले हैं, कहीं ना कहीं उसमें गणित विषय का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान। और बिना गणित विषय के व्यापम के एग्जाम्स निकालना थोड़ा सा असंभव जैसा लगता है। और हॉस्टल वार्डन का जो विज्ञापन जारी किया व्यापम ने, इसको देखकर ये तो समझ आ गया कि व्यापम के आने वाले एग्जाम्स में भी गणित जो है वो भर भर कर रहेगा, कहीं पे कोई कमी नहीं रहेगी, हर एग्जाम में गणित भर भर के रहेगा। क्योंकि हॉस्टल वार्डन में आपने देखा है, और व्यापम के जो एग्जाम्स हुए हैं, अगर मैं बात करूं व्यापम के एग्जाम्स की, तो व्यापम के जो 10 जून 2023 के बाद एग्जाम हुए हैं, 10 जून 2023 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी इस तारीख को, इसके बाद जो एग्जाम्स हुए हैं, हर एग्जाम में, हर भर्ती परीक्षा में 100 प्रश्न ही दे रहा है वो। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 100 प्रश्न का पैटर्न फिक्स कर दिया है। तो आने वाले आरआई के एग्जाम, पटवारी के एग्जाम में भी आपको हो सकता है ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई दे, 100 प्रश्न ही आपको देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। और 100 प्रश्न अगर आपको देखने को मिले आरआई और पटवारी के एग्जाम में, तो कम से कम 25 प्रश्न तो मैथ्स के रहेंगे ही। क्योंकि आप खुद सोचिए, हॉस्टल वार्डन में 150 प्रश्नों में केवल मैथ्स का वेटेज 20 प्रश्न का था, जबकि अभी जो नया जारी किया है विज्ञापन, उसने नया पूरा सिलेबस, नया स्ट्रक्चर जो जारी किया है, उसमें 100 प्रश्न में 25 प्रश्न कर दिया मैथ्स का। इसका मतलब ये तो समझ आ रहा है कि व्यापम जो है अपने एग्जाम्स में मैथ्स को रखेगा, बिना मैथ्स के एग्जाम नहीं लेगा, ये एकदम फिक्स है ये। तो आगे जाके आरआई और पटवारी के एग्जाम का स्ट्रक्चर चेंज होता है। आरआई, पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर, इन एग्जाम्स का स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है, 100 प्रश्न ही करता है, तो मान के चलिए कम से कम 25 प्रश्न आपको गणित के मिलेंगे यहां से, 25 प्रश्न कम से कम। इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा, अभी तक तो फिलहाल यही लग रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी तक तो यही लग रहा है, क्योंकि टेट का जो एग्जाम का इसने जारी किया है सिलेबस, उसमें कोई बदलाव नहीं है, 150 प्रश्न ही आएंगे, ऐसा सिलेबस जारी हुआ है टेट का, सीजी टेट का। तो उसके आधार पर शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये लग रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को 150 प्रश्नों का ही रखेगा वो। तो हो सकता है ये जो आरआई पटवारी के एग्जाम्स हैं, इनमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जैसे हॉस्टल वार्डन में चेंज किया है, आरआई पटवारी में भी चेंज कर सकता है, लेकिन मैथ्स के वेटेज को कम नहीं करेगा किसी भी हालत से। मैथ्स का वेटेज बढ़ बढ़ कर ही रहेगा,
कम बिल्कुल नहीं होने वाला। तो मैथ्स के बिना ये एग्जाम्स जो है थोड़े से असंभव जैसे हो जाते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, आप देखेंगे तो सहायक शिक्षक में 30 प्रश्न आते हैं सीधे सीधे, शिक्षक में 15 प्रश्न आ रहे हैं। टेट के एग्जाम को उठा लीजिए, हर एग्जाम में भर भर के, लेबर इंस्पेक्टर उठा लीजिए, फूड इंस्पेक्टर उठा लीजिए, हर एग्जाम में गणित को भर भर के पूछा है, हर एग्जाम में। आप अगर इस बैच से जुड़ेंगे तो आपका गणित का संपूर्ण तैयारी हो जाएगा, कहीं पे कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, कोई चैप्टर नहीं छूटेगा। एक एक चैप्टर पे बात करेंगे, एक एक चैप्टर का नोट्स बनाएंगे, एक एक चैप्टर पे तीन तीन चार चार प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे, शानदार तरीके से क्लास चलेगी। और मैं इसीलिए अवधि को थोड़ा ज्यादा रखा हूं, 80 दिन का अवधि इसीलिए रखा हूं ताकि हर एक पॉइंट पे अच्छी से चर्चा हो पाए, बातचीत हो पाए, बेसिक से एडवांस तक की पूरी तैयारी हो पाए। और प्रतिदिन 1.5 घंटे की क्लास भी रखने का कारण यही था कि थोड़ा सा पढ़ा हुआ लगे, कि 1.5 घंटा लगातार अगर आप पढ़ेंगे मैथ्स को तो लगेगा कि हाँ आपने गणित को तैयार किया है। 80 दिनों तक मान के चले कोई एग्जाम तो होगा नहीं, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है, तो अगले 80 दिनों में कोई एग्जाम तो होगा नहीं, तो आप अपने समय को यूटिलाइज करिए, वैकेंसी का वेट मत करिए कि वैकेंसी आएगी, हॉस्टल वार्डन की तो आ ही गई है, टेट का एग्जाम हो रहा है, मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होगी, आरआई पटवारी का कंफर्म न्यूज बता रहा हूं कि आरआई पटवारी का एग्जाम होगा इसी साल, होगा आरआई और पटवारी का, तैयारी में लग जाइए। अभी आचार संहिता लागू है, मतलब अगले 80 दिनों में 70 दिनों में कोई एग्जाम आपको दिखाई नहीं देगा, सीधे आप देखेंगे तो जून में एग्जाम होंगे, लास्ट लास्ट में जून में, जब तक पूरा का पूरा गणित आपका मैं तैयार करा दूंगा, आप कोई भी एग्जाम में बैठो, इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठो, कोई भी एग्जाम में बैठो, आपसे गणित बनेगा इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, फीस इस बैच की 1999 रुपए रखी गई है, फीस देख सकते हैं 1999 रुपए है। अब फीस ये रखने का बहुत सारा रीजन भी है, डेली क्लासेस 1.5 घंटे की हो रही है, 80 दिनों तक क्लासेस चलेंगी, 80 दिनों की फीस है 1999 रुपए, 80 दिनों की, प्रतिदिन 1.5 घंटे क्लास चलेगी, मतलब 120 घंटे की, कम से कम 120 घंटे क्लास चलेगी उसकी फीस है। इसके अलावा ऐप में आपको हर दिन का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, हर दिन का रिकॉर्डेड वीडियो, मतलब आज अगर 1.5 घंटे की क्लास हुई तो आज का रिकॉर्डेड वीडियो ऐप में डल जाएगा, डेली क्लास के आधे घंटे बाद हर दिन का रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगा, आप उस रिकॉर्डेड वीडियो को एक दिन में कितने भी बार देख लो, कितने भी बार आप उस रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, पीडीएफ जो मैं लिखूंगा बोर्ड में एज इट इज पूरा का पूरा, वो पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रैक्टिस शीट्स आपको भेजी जाएंगी। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऐसा मत सोचिए कि 1999 रुपए फीस ज्यादा है, आप सुविधाएं देखिए कितनी सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा, इवन मैं डीआई वगैरह भी कवर कराऊंगा इसमें, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, शिक्षक भर्ती वालों के लिए मैं पेडागोजी की क्लासेस भी अलग से प्लान करूंगा, संडे संडे को जैसे मैं पेडागोजी की अलग से क्लासेस प्लान करूंगा, क्योंकि पेडागोजी मतलब गणित का शिक्षण शास्त्र केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा वालों के लिए है, टेट का एग्जाम जो देंगे उसके लिए है, बाकी के एग्जाम्स में नहीं आता है वो, गणित का शिक्षण शास्त्र जो थ्योरी सेक्शन है, लेकिन वो भी पढ़ेंगे तभी बनेगा, व्यवहारिक एग्जाम्पल्स लेंगे तभी बनेगा। तो अलग से संडे संडे को क्लास प्लान करूंगा मैं, जहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, टेट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं गणित का जो शिक्षण शास्त्र है वो कवर करा दूं, तो सब कुछ कराऊंगा इसमें। कोई भी एग्जाम आप दीजिए छत्तीसगढ़ में, चाहे पीएससी का चाहे व्यापम का, पूरा गणित आपका तैयार रहेगा, पूरा गणित। आगे चलकर जैसे बोला जा रहा है कि एसीएफ और रेंजर का भी पोस्ट आएगा, वहां पर भी गणित का वेटेज बड़ा है, आप देखेंगे तो पीएससी का जो स्टेट सर्विस एग्जाम होता है उसकी प्रारंभिक परीक्षा को उठा लीजिए, पेपर सेकंड में गणित भर भर के है, हर एग्जाम के लिए गणित तैयार हो जाएगा। आप देखिएगा अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे आवश्यकता पड़ेगी शॉर्टकट बताऊंगा, ट्रिक्स पढ़ेंगे जहां पे आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक्स के पहले मैं प्रोसीजर बताऊंगा, वहां से निकालेंगे शॉर्टकट को ट्रिक को। कहीं पे आपको मैथ्स ऐसा नहीं लगेगा कि आपने रटा है, आपको लगेगा कि गणित बहुत आसान है, ये तो मेरे को दिखने लग गया सर, आपको ऐसा फील होगा कि गणित पूरा का पूरा दिखाई देने लग गया सर, बहुत आसान हो गया गणित अब।
और व्यापम की परीक्षाओं में गणित आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा समीकरण जो है ये गणित बदल देता है। व्यापम की परीक्षाओं को उठा के देखिए, पूरा का पूरा जो समीकरण है उस समीकरण को गणित बदल देता है। तो गणित को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ सकते हो यार, एक बार जुड़ के देखो। आप YouTube में मेरे वीडियोस देखते ही हो, आप जब रैंडम वीडियोस को समझ जाते हैं मेरे, मैं रैंडम वीडियोस डालता हूं, आज औसत चैप्टर का डाल दिया, कल मैं ज्योमेट्री वाले सेक्शन का डाल दिया, तो जब ये रैंडम वीडियोस आप समझ जा रहे हैं, तो सोचो अगर आप रेगुलर मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा मैं। तो रैंडम वीडियोस जब आप देखकर चीजों को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, समझ पा रहे हो, तो फिर रेगुलर अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपका शानदार हो जाएगा मैथ्स। और फीस पे बिल्कुल भी विचार मत करो, आप ये सोचो कि आपका 80 दिन में पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट करा दूंगा मैं, और आगे चलकर जो भी एग्जाम होगा। और कई बार तो आपको मजबूरन कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है केवल गणित विषय की तैयारी को लेकर, पूरा कोर्स खरीदना पड़ता है, क्योंकि आपको केवल गणित पढ़ना है लेकिन आप पूरा कोर्स परचेस करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो वो सब दुविधाएं आपके पास नहीं रहेंगी, क्योंकि गणित का पूरा पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास रहेगा, पूरा कंप्लीट तैयारी आपके पास रहेगा, क्लास नोट्स रहेगा, प्रैक्टिस शीट रहेगा, शानदार रहेगा पूरा का पूरा गणित आपका। लाइन से एग्जाम्स होंगे, एग्जाम दीजिए, कहीं पे कोई समस्या गणित में आ ही नहीं सकती। लेकिन आपको इसके लिए 80 दिन लगातार मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, एक एक क्लास लाइव अटेंड करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड देख लेंगे सर तो फिर उसमें दिक्कत आती है, लाइव जुड़िए मेरे साथ में, वहीं पे कमेंट करिए, आंसर पूछा तो आंसर कमेंट करिए, कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट्स को कमेंट करिए, लेकिन लाइव जुड़िए मेरे साथ में। रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही आपको, रिकॉर्डेड तो आपकी सुविधा के लिए दे रहे हैं, ताकि कुछ डाउट्स आए तो आप रिविजन कर पाए, रिकॉर्डेड आपके पास रहेंगे, उसमें रिविजन कर लीजिए आप। मान लीजिए 5 दिन पहले की क्लास का कुछ डाउट है, तुरंत आप रिकॉर्डेड वीडियो देखे, उस तारीख को डाउट था, क्योंकि कॉपी जब लिखते हैं आप तो कॉपी में तो डेट डालते ही हैं, उस डेट का वीडियो निकालिए, देख लीजिए क्या एक्सप्लेनेशन था उसका। तो रिकॉर्डेड वीडियो ये जो है बहुत सुविधा देगा आपको, बहुत सुविधा देगा। तो रिकॉर्डेड वीडियो हर क्लास का मिलेगा, डेली मिलेगा, क्लास के आधे घंटे बाद ये वीडियो आपको ऐप में मिल जाएगा, पीडीएफ देंगे ही आपको। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा, ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा पूरा, डीआई पढ़ाऊंगा पूरा, कहीं पे कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस शीट्स बहुत सारी प्रोवाइड करा दूंगा, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे जो भी एग्जाम्स होंगे आप मेरी क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट पे भरोसा रखिए, हर एक एग्जाम में आपसे गणित बनेगा, हर एक एग्जाम में बनेगा। तो जुड़ सकते हैं, 20 मार्च से ये बैच आरंभ हो रहा है, 20 मार्च से ये बैच आरंभ हो रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ में। समय होगा शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक, तो शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक ये कक्षाएं चलेंगी, शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक। डेली 1.5 घंटे की क्लासेस चलेंगी, देख सकते हैं आप। फीस ₹1999 है, 80 दिन की अवधि है, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी जहां पर जाकर आप डेमो क्लास देख सकते हैं। बाकी डेमो क्लास देखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे भी चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, एडमिशन भी ले लिया है, तो आप सीधे एडमिशन भी ले सकते हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप करने पर आपको डेमो क्लास की लिंक दे दी जाएगी, अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको रेगुलर क्लास की लिंक दे दी जाएगी। चलिए, तो मैं मिलूंगा आपसे कल यानी 20 मार्च को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी, कहीं पे कोई रुकावट, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, शानदार तरीके से क्लास चलेगी, एकदम शानदार तरीके से। चलिए, तो मैं कल मिलूंगा, देखिएगा एकदम बेसिक से काम चलेगा, जल्द ही अपना पंजीयन करा लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, रेगुलर मेरे साथ जुड़िए, लगातार 80 दिनों तक थोड़ा सा संघर्ष करिए मैथ्स को लेकर, शानदार तरीके से मैथ्स हो जाएगा आपका, कहां से कहां मैथ्स का हो जाएगा लेवल आप, ये आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप मेरी क्लासेस अटेंड करते जाएंगे। चलिए, तो मैं मिलूंगा आपसे कल शाम को 4 बजे, जुड़ना ना भूले हमसे, जल्द ही संपर्क करिए, अपना पंजीयन करा लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, मैं आपसे मिलूंगा कल, बहुत शानदार तरीके से शुरुआत करेंगे अपन कल। चलिए, धन्यवाद।